हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टीवी टेक। काफी दिनों से हमने कई सारे वीडियोस अपलोड करे और आप लोगों ने देखा भी। थैंक यू सो मच आप लोगों का इतना सारा प्यार और इतनी सारी लाइकिंग के लिए उन वीडियोस के ऊपर। आज काफी एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम कई दिनों से अपने कोई अनबॉक्सिंग के वीडियोज नहीं कर रहे थे, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक अनबॉक्सिंग का वीडियो भी लेकर आया हूँ। एंड एक बड़ा ही इफेक्टिव एंड बहुत ही ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट लेकर आया हूँ जो कि हर घर में यूज होता है। तो बिफोर वी सी कि वो प्रोडक्ट क्या है उसके बारे में जाने, डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। सो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अभी मैंने रिसेंट में ही एक इंस्पिरेशनल स्टोरीज की एक सीरीज ऑफ एपिसोड्स मैंने स्टार्ट किए हैं। आपको रिकमेंड करूंगा, आप लोग जरूर जाएं मेरे वीडियोस मेरे चैनल के वीडियो लिस्ट पे एंड वहां से जाके इंस्पिरेशनल स्टोरीज को सर्च करें। हर किसी इंसान को इफेक्टिवली हेल्प कर सकती है उसकी लाइफ में आगे ग्रो करने के लिए और नई नई चीजें सीखने और समझने के लिए। आइए फटाफट देखते हैं फ्रेंड्स कि क्या वो मैं प्रोडक्ट लेकर आया हूं। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्रॉम्पटन का आर्नियो न्यू 15 लीटर का एक बहुत ही इफेक्टिव एंड बढ़िया इलेक्ट्रिक वाटर गीजर। सो जिसको हम देख सकते हैं कि 4-स्टार रेटिंग के साथ आता है, दैट मीन्स एनर्जी एफिशिएंट भी है। और अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो काफ़ी सस्ता पड़ा मुझे ये अमेजन से। वैसे तो इसकी एमआरपी काफ़ी ज़्यादा 8500 समथिंग है, बट एमआरपी पे प्रोडक्ट्स मिलते नहीं, कई काफ़ी डिस्काउंट मिलता है। तो जो मुझे पड़ा ये अंडर 5000, दैट इज समवेयर अराउंड 4900 रुपीज़ के आसपास का पड़ा है। तो काफ़ी सस्ता मिला है एंड आई थिंक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। इससे पहले हम इसके बारे में इसको अनबॉक्स करें और इसके बारे में अंदर से देखें इसके अंदर क्या है, आइए मैं फटाफट इसके कुछ फीचर्स के बारे में आपको बता देता हूं। तो ये जो गीजर है ये इफेक्टिव नॉब के साथ आता है, 2 इंडिकेटर लाइट के साथ आता है, नैनो पॉलीमर बॉन्ड टेक्नोलॉजी के साथ आता है। ये नैनो पॉलीमर बॉन्ड टेक्नोलॉजी क्या है, ये इसके इनर जो टैंक है इसके ऊपर नैनो पॉलीमर बॉन्ड की कोटिंग है, जिससे जो टैंक होता है टैंक की लाइफ बढ़ जाती है, उसमें कोरोजन नहीं होता, उसके अंदर रस्ट नहीं लगता। क्योंकि आपको पता है डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट टाइप का वाटर होता है, एंड वाटर से पानी के आने से जरूर रस्ट लग जाता है किसी भी टाइप का मटेरियल होता है। तो ये पॉलीमर बॉन्ड जो है एक टैंक की सरफेस और पानी के बीच में एक लेयर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से बहुत आसानी से, मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल रस्ट प्रूफ है हाँ, बट लेकिन इसके अंदर रस्ट इतनी आसानी से नहीं लगता, तो इससे इसकी लाइफ बढ़ जाती है। और अगर मैं इसके कुछ दूसरे फीचर्स के बारे में बात करूँ, जो सबसे पहला फीचर है कि ड्यूरेबल इसका टैंक है, रोल्ड स्टील से बना हुआ इसका टैंक है। रोल्ड स्टील से बनने के कारण इसका जो लाइफ की जो इसकी ड्यूरेबिलिटी है काफी बढ़ जाती है। दूसरी चीज, ये एक सिंगल वेल्ड के साथ आता है, तो जो इसका टैंक है वो सिंगल वेल्ड है। जितने कम वेल्ड होते हैं किसी भी गीजर के अंदर वो उतना ही ज्यादा ड्यूरेबल और स्ट्रेंथ उसकी बढ़ जाती है। तो इसके अंदर जो है लीकेज के चांसेस बहुत ही रेयर हो जाते हैं क्योंकि एक सिंगल बेल्ट ही आपको इसके अंदर मिलेगा। सेकंड, अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर सेफ्टी वॉल है जो कि बहुत ही कॉमन होता है, बहुत ही सारे गीजर्स में आता है। तो ये ऑटोमेटिक सेफ्टी वॉल होता है, जैसे ही गीजर का प्रेशर एक सेट टेम्परेचर से ऊपर या सेट प्रेशर से ऊपर जाता है तो सेफ्टी वॉल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है ताकि पानी निकल जाए, प्रेशर निकल जाए, गीजर फटे नहीं, मतलब वो ब्लास्ट नहीं हो जाए। तो ये एक कॉमन सी चीज है, बट यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि हैवी ड्यूटी मैग्नीशियम रॉड इसके अंदर प्रोवाइड करी है, तो एक मैग्नीशियम एनोड की रॉड इसके अंदर जो लगी हुई है, दैट इज अ वेरी इफेक्टिव थिंग कोरोजन रेजिस्टेंस के एंगल से। आपके गीजर के अंदर, आपके एरिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पानी आ सकता है, एंड गीजर को कहीं पे भी लगाया जा सकता है ऑल ओवर इंडिया, जहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर जहां पे मिल सकता है। तो उसको हैंडल करने के लिए मैग्नीशियम एनोड रॉड, जिसके अंदर एक स्टील का कोर होता है बेसिकली, उसको लगाया जाता है ताकि जितना भी कोरोजन एलिमेंट है वो इस एनोड रॉड पे आके चिपक जाए, ना कि गीजर की टैंक की वॉल के ऊपर जाए, जिससे टैंक को भी कोरोजन हो और एलिमेंट को भी कोरोजन हो। तो वो सारी चीजें यहां से एलिमिनेट हो जाती है, खत्म हो जाती है इस एनोड रॉड की वजह से। हाई प्रिसीजन थर्मोस्टैट कंट्रोल, तो बेसिकली जितना भी हम टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं वो हमारी मर्जी से, हम इसके अंदर एक नॉब दिया हुआ है उसके अंदर, उसके थ्रू हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से हम हाई टेम्परेचर को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये काफी इफेक्टिव होता है कुछ स्किन पेशेंट्स के लिए जिनको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर का पानी चाहिए होता है अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए। वो लोग ज्यादा सेट टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर पाते या फिर ज्यादा ठंडा पानी भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो ये नॉब या फिर ये टेम्परेचर कंट्रोल उनके लिए बहुत काम आता है। तीसरी अगर मैं बात करूंगा तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो कॉपर हीटिंग एलिमेंट, तो कॉपर हीटिंग एलिमेंट वैसे काफी कॉमन होती है सारे गीजर के अंदर, ये कॉपर हीटिंग एलिमेंट ही आती है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये कॉपर हीटिंग एलिमेंट जो है ये पॉलीमर कोटेड है।
सो जैसे इसका टैंक था नैनो पॉलीमर कोटेड, वैसे ये कॉपर हीटिंग भी पॉलीमर कोटेड है, जिससे ये इसकी हीटिंग एलिमेंट की लाइफ भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है एंड हीटिंग की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। दोनों तरीके से बेनिफिट करता है एंड एनर्जी सेविंग भी करता है। तो ये भी एक थम्स अप है क्या कहते हैं क्रॉम्पटन को इसके लिए। देन प्रीसेट थर्मल कटआउट। सो बेसिकली प्रीसेट थर्मल कटआउट में आपको पता ही है कि ऑटो कटआउट होता है, जैसे एक सेट टेम्परेचर से ऊपर गीजर जाता है ये ऑटोमेटिक कटआउट कर देता है एंड वो टेम्परेचर आप कंट्रोल भी कर सकते हैं थर्मोस्टेट नॉब के थ्रू। नॉर्मल गीजर्स में एक सेट टेम्परेचर होता है उसमें ऑटोमेटिक कटआउट होता है, उसमें कोई आप सेट नहीं कर सकते, बट इसमें जो आप टेम्परेचर सेट करेंगे उसके ऊपर जैसे ही पानी गर्म होने लगेगा थर्मोस्टेट ऑटोमेटिकली कट ऑफ करके गीजर को बंद कर देगा। नाउ सुपीरियर पॉलीमर कोटेड टैंक जो कि मैंने आपको बता ही दिया है, 8 bar pressure, सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइज 8 bar pressure। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 8 bar pressure होता क्या है। बेसिकली क्या होता है, आपको पता होगा कई घर होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट घर होते हैं या फिर फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर तक ही बने होते हैं, कई अपार्टमेंट्स होते हैं जैसे कि हाई राइज बिल्डिंग हो गई, तो इन अपार्टमेंट्स में ये 8 bar pressure काम आता है। बेसिकली जितना गीजर का और स्टोरेज टैंक के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना वाटर का प्रेशर ज्यादा होगा, एंड वाटर का प्रेशर ज्यादा होने का मतलब है जब गीजर के अंदर पानी एंटर होता है तो जितने प्रेशर से एंटर होता है उसको हम बार में नापते हैं। तो अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो 10 meter का अगर डिस्टेंस है ओवरहेड टैंक से लेके गीजर के एंट्रेंस तक तो 1 bar pressure क्रिएट करता है। सो दैट मीन्स 8 bar pressure का मतलब है कि 80 meters तक अगर आपका स्टोरेज वाटर टैंक ऊपर है आपकी छत से या फिर आपके गीजर से तो ये इजीली उसको हैंडल कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज दूसरे गीजर्स में क्या होता है, अगर ये प्रेशर मतलब ये सर्टिफाइड नहीं हो या फिर ये इतना हैंडल करने की कैपेसिटी नहीं हो तो वो गीजर लीक कर जाते हैं बिकॉज वो उतना प्रेशर हैंडल ही नहीं कर पाते। तो ये बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं, जो कि फ्लैट्स में रहते हैं, हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं, ये जरूर देखें कि 8 bar pressure का मिनिमम आप गीजर लें। अदरवाइज आपको लाइफ में थोड़े टाइम में ही जब भी आप कोई गीजर नॉर्मल वाला ले लेंगे तो जरूर प्रॉब्लम आएगी अगर उसका बार प्रेशर ज्यादा नहीं होगा तो। 6 or 6.5 bar के ऊपर मत जाइएगा इन हाई राइज बिल्डिंग, आई रिकमेंड 8 bar pressure। अगर आप इंडिपेंडेंट हाउस में रहते हैं फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे रहते हैं डजेंट मैटर, आप 6 bar का प्रेशर कभी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ मूविंग ऑन टू एनर्जी सेविंग्स, तो एज 4-star है एनर्जी सेविंग है, लाइट ट्विन लाइट इंडिकेटर है, ग्रीन और रेड लाइट हमें इंडिकेट करती है, पावर ऑन है ऑफ है एंड PUF टेक्नोलॉजी के साथ आता है तो जो कि जिसके बारे में आपको बता ही चुका हूं। वाटर प्रूफ है, लाइक आप थोड़ा सा भी इधर उधर उसके ऊपर पानी गिरता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर तरीके से कोटेड है एंड सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो अंदर थर्मल जो इंसुलेशन है वुड से वो काफी अच्छी दी हुई है जिससे जो गीजर के अंदर पानी रहता है वो काफी देर तक गर्म रहता है, इजिली ठंडा नहीं होता है। तो हम क्या कहते हैं फॉर एग्जाम्पल हमने सुबह अगर पानी गर्म करा तो हम शाम तक भी उसको आराम से यूटिलाइज कर सकते हैं विदाउट री स्टार्टिंग द गीजर, जिससे हमारी एनर्जी सेविंग होती है, इलेक्ट्रिसिटी सेविंग होती है एंड कॉस्ट कटिंग होती है। तो थम्स अप टू क्रॉम्पटन अगेन फॉर दैट। आइए इसको फटाफट ओपन करके भी देखते हैं इसके अंदर क्या है एंड क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, क्या इसके साथ चीजें आती हैं और इसको फटाफट चेक करते हैं एंड देन फिर मैं आपको इसके बाद आगे बाद में ये भी दिखाऊंगा कि हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल करने के बाद ये कैसा वर्क कर रहा है, कितना एफिशिएंट है, क्या नहीं है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इसके अंदर 5 years तक की जो है इसकी वारंटी आती है टैंक के ऊपर, इनकेस आपके टैंक में रस्ट लग गया, टैंक कहीं से लीक हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई तो 5 years की वारंटी टैंक के ऊपर है। 2 साल की हीटिंग एलिमेंट्स की वारंटी है और 2 साल की ओवरऑल पूरे गीजर की वारंटी है। अगर मान लीजिए गीजर के किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में या किसी नॉब में या स्विच में कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो 2 साल तक इन वारंटी है, कंपनी आएगी रिप्लेस करेगी, रिपेयर करेगी, ठीक करके देगी। अगर पूरे गीजर के एलिमेंट में कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो भी 2 साल तक की है, लेकिन अगर टैंक में कुछ स्पेसिफिकली प्रॉब्लम आई तो जैसा कि मैंने बताया 5 साल तक ही पूरा कवर्ड रहेगा। तो थम्स अप अगेन टू क्रॉम्पटन फॉर दैट। आइए इसको फटाफट ओपन करके देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो फ्रेंड्स आप गीजर को देख सकते हैं यहाँ पे, इसके अंदर जो है क्रॉम्पटन की ब्रांडिंग दी हुई है, आर्नो न्यू की ब्रांडिंग दी हुई है, इसका थर्मोस्टैट है, यहाँ पे LED इंडिकेटर्स हैं। जब मैं इसको इंस्टॉल करके आप लोगों को दिखाऊंगा तो आप देख पाएंगे जलेंगे, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है, क्लीन है, ये 4-star रेटिंग है, पीछे से बस हैंगिंग की रॉड लगी हुई है, दैट्स इट। वॉटेज दी हुई है, 2000 watt का गीजर है, 2000 watt का मतलब अगर इसको कंटिन्यूसली आप 1 घंटे तक चलाएंगे तो 2 unit आपकी यूज कर लेगा
1 घंटे के अंदर, एंड 15 लीटर की कैपेसिटी है। तो 15 लीटर की कैपेसिटी आई थिंक 3 लोगों की फैमिली के लिए काफी सफिशियंट होती है। अगर आपकी 3 लोगों की छोटी फैमिली है तो आप 15 लीटर, इनफैक्ट अगर 4 लोगों की भी है और फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करते हैं तो काफी आराम से 15 लीटर का गीजर आपको सपोर्ट करेगा। तो थम्स अप, एंड आइए इसको इंस्टॉल करके भी देखेंगे कि कैसा लगता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो हमारा ये क्रॉम्पटन का आरनो नियो गीजर इंस्टॉल्ड हो चुका है। आप देख रहे हैं कि मैंने इसको चालू भी कर लिया और सिर्फ हम उसको इसको फुल पे सेट करा हुआ है। पावर ऑन की कंडीशन में रेड लाइट शो होती है, एंड जैसे ही आप अगर ये पानी गर्म अगर दे रहा होता है तो ये लाइट ग्रीन में शो हो रही होती है। अब मैं आपको इसकी ऑन स्क्रीन तो नहीं दिखा सकता कि पानी गर्म कैसे आ रहा है, बट ऑफ कि काफ़ी गर्म पानी आ रहा है, काफ़ी धुआं हो रहा है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ से वाटर स्टार्ट कर दिया है, गर्म पानी पूरा मिरर के ऊपर कवर कर रहा है एंड फॉग क्रिएट कर रहा है मिरर के ऊपर। तो आई थिंक यहाँ पर देख सकते हैं जैसे मैंने वहाँ वाटर स्टार्ट कर दिया तो यहाँ से हीटिंग लाइट जो है वो स्टार्ट हो गई थी एंड इसने अपना हीटिंग मोड स्टार्ट कर दिया। देखिए जैसे मैंने उसको फुल टेम्परेचर से हटाया तो ये बता रहा है कि ऑलरेडी इतना तो टेम्परेचर इसका अंदर सेट है, इसलिए इसको इमीडिएटली कट ऑफ कर दिया। तो थम्स अप टू क्रॉम्पटन बिकॉज इससे पावर सेविंग होती है। ये नॉब काफ़ी हेल्पफुल रहेगी काफ़ी लोगों के लिए, बच्चे हो गए या फिर बुजुर्ग हो गए या स्किन पेशेंट हो गए जिनको एक सेट टेम्परेचर पर पानी चाहिए होता है। और तो ये डिजिटल तो नहीं है, आप एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तो नहीं आइडिया लगा सकते, बट यस इससे आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा। 35 से मिनिमम स्टार्ट होता है, मिड नाइट विल कम समथिंग अराउंड 50 to 55 एंड मैक्सिमम जो जाएगा ये जाएगा 75 पे। आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि कितना डिग्री टेम्परेचर आपको चाहिए। तो गाइस आज के लिए इस वीडियो में इस रिव्यू में इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, साफ सफाई बनाए रखिए। जय हिंद।